अगर आप भी चार धाम यात्रा या केदारनाथ जी की यात्रा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रिकॉशंस बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप यात्रा को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि आजकल आपने भी न्यूज़ में पढ़ा होगा कि कई सारे श्रद्धालुओं की यात्रा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो आज के इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही है कि इन कैजुअलिटीज से बचा जा सके और अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो सकुशल यात्रा कंप्लीट करके आप अपने घर आ सकें। ये जो बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊँगा, अपनी फैमिली के एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊँगा, क्योंकि रिसेंटली हमने चार धाम यात्रा की है, केदारनाथ जी की जो चढ़ाई है उसका सामना किया है, तो हमारी जो यात्रा रही उसके एक्सपीरियंस से जो चीज़ें मैं बताऊँगा वो बिल्कुल सटीक चीज़ें हैं, आपको इन्हें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जो भी चारधाम यात्रा जाना चाहते हैं या केदारनाथ जी की यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, उनके साथ तो ज़रूर शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन के बारे में जो कि आपको लेना ही चाहिए, वो है अपनी बॉडी को अक्लाइमेटाइजेशन करना। इसका सीधा अर्थ ये होता है कि अपनी बॉडी को उस एनवायरनमेंट के अनुरूप बनाना जिस एनवायरनमेंट में आप जा रहे हैं। मान लीजिए आप एक ग्राउंड लेवल से जा रहे हैं, यानी कि एक ज़मीन वाले प्लेन इलाके से पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं और डायरेक्टली जा कर के आपने खड़ी चढ़ाई चढ़ना चालू कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बॉडी उस एनवायरनमेंट के हिसाब से ढली नहीं है और उस दौरान आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। जो कैजुअलिटीज़ होती हैं अक्सर वो इसी वजह से होती हैं कि लोग अपनी बॉडी को ढाल नहीं पाते या फिर आप उनको किसी तरह का मेडिकल कंडीशन है, किसी तरह की बीमारी है और वो डायरेक्ट जाके चढ़ाई करने लग जाते हैं, तो उनकी बॉडी उस अनुरूप तो ढली नहीं और उल्टा उसके ऊपर भार पड़ गया एक नए एनवायरनमेंट को झेलने का, तो उसकी वजह से समस्या आ जाती है। तो सबसे पहला प्रिकॉशन ये लेना है कि आपको अपनी बॉडी को अक्लाइमेटाइज करना है, अपनी बॉडी को उस अनुरूप बनाना है। और वो कैसे होगा कि जब भी मान लीजिए आप राजस्थान में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग राजस्थान से गए थे उत्तराखंड की इस यात्रा के लिए, तो राजस्थान एक प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया से सबसे पहले हम गए एक ऐसे इलाके में जैसे मसूरी देहरादून जिनकी हाइट 5000-6000 फीट के आसपास है, तो वहाँ पर हम गए, वहाँ पर कुछ दिन 2-3 दिन हम रुके और हमने फिजिकल एक्टिविटी करी उसी इलाके में, क्योंकि वहाँ पर एक पहाड़ी इलाका है, थोड़ा इस ग्राउंड लेवल से हम काफ़ी हाइट पर चले गए, तो वहाँ पर जाके हमने अपनी बॉडी को अनुरूप बनाया इस अनुरूप कि वो बड़े पहाड़ भी चढ़ सके। वहाँ पर जाके रहे, वहाँ की हवा ली, वहाँ पर खाना खाया, वहाँ पर वॉक किया, थोड़ा बहुत चले हम, जिससे हमारी बॉडी एक तरह से उस वातावरण में ढल गई और उसके बाद हम यात्रा के लिए गए। इससे हमारी बॉडी में क्या हुआ कि वो ढल गई तो ईजिली वहाँ पर वो सर्वाइव कर सकती है उस कंडीशन में। तो ये चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है। यात्रा प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले 2-3 दिन जा कर के किसी पहाड़ी वाले इलाके पर रुक जाइए, वहाँ पर थोड़ा वॉक कीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी उस अनुरूप बनेगी और आप पहाड़ों की चढ़ाई भी कर पाएंगे। क्योंकि जो भी धाम बने हुए हैं चार धाम, वो 8-10 हज़ार 11 हज़ार फीट की हाइट पर हैं, एकदम से आप वहाँ जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी आपको पड़ सकती है। तो सबसे पहली चीज़ अक्लाइमेटाइज कीजिए अपनी बॉडी को। दूसरी चीज़, वहाँ पहुँचने के बाद आपको जो चढ़ाई मिलेगी उसमें आपको धीरे धीरे करके चढ़ना है, रुक रुक के चढ़ना है। गवर्नमेंट ने भी कई सारे बोर्ड लगाए हुए हैं कि आप रुक रुक के चलिए, सांस लेते हुए चलिए तो आप इजीली चढ़ पाएंगे, क्योंकि खड़ी चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन कमी होती जा रही है, तो ऐसे टाइम पर आपको धीरे धीरे कदम बढ़ाने चाहिए। तीसरी चीज़, बीच बीच में पानी, ग्लूकोज या इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन पीते रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ों पर आपको भले ही ठंड लगे लेकिन पसीना और पानी आपकी बॉडी से लॉस होता है, तो उस दौरान डिहाइड्रेट आपकी बॉडी ना हो जाए इसलिए पानी पीते रहिए, कोई भी लिक्विड पीते रहिए। साथ ही अगर आप कुछ भी खाना खा रहे हैं तो गर्म खाना खाइए, पानी जो भी पी रहे हैं वो साफ़ पानी पीजिए, क्योंकि ऐसे पहाड़ों में कई बार हमको एनवायरनमेंट सूट नहीं कर पाता, हमें दस्त लग सकते हैं, उल्टी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है अगर खाना सही नहीं है, तो इस वजह से गर्म खाना
ज़रूर पिए खाएं और पानी साफ पिएं, ये चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। पहाड़ों पर मौसम कभी भी बदलता रहता है, तो ऐसी कंडीशन में रेनकोट और शू कवर्स अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि रेनकोट तो आपकी बॉडी को बचाएगा, आपके बैग को बचाएगा, लेकिन शू कवर्स आपके पैरों को बचाएंगे, क्योंकि बरसात में कई बार हमारे जो जूते हैं वो गीले हो जाते हैं और वहाँ पर टेम्परेचर बड़ा ठंडा रहता है। अगर आपके पैर गीले हो गए तो आप बहुत जल्दी बीमार पड़ सकते हैं, तो इसलिए शू कवर्स और रेनकोट अपने साथ ज़रूर रखें। वूलन क्लॉथ्स अपने साथ रखें, वूलन मतलब जो गर्म कपड़े होते हैं वो रखें, क्योंकि ऊपर जाके बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, माइनस में टेम्परेचर जा सकता है और ठंडी हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, तो उस चीज़ का ख्याल रखें। ट्रैक के दौरान कुछ कुछ देरी में आप थोड़ा बहुत खाते रहें, ना पेट को पूरा आपको भरना है ना ही पेट को खाली रखना है। ज़्यादा भरेंगे तो पेट में दर्द होगा, कम भरेंगे तो भी आपके पेट में दर्द होगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा खाएं थोड़ी थोड़ी देर के अंदर, इससे आपको काफ़ी अच्छी राहत मिलेगी। और साथ ही यात्रा के दौरान आप अपने साथ सर्दी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, उल्टी, दस्त, इनकी गोली दवाइयाँ साथ में रखें, साथ ही पेन रिलीवर स्प्रे साथ में रखें। जैसे कि अगर मैं बात करूँ केदारनाथ जी की चढ़ाई के बारे में, तो बहुत कठिन चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है, उसका सामना आपको यात्रा के दौरान करना पड़ता है, तो उस दौरान आपके पैरों में मोच आ सकती है, पैरों में सूजन आ सकती है, तो उस दौरान ये पेन रिलीवर स्प्रे काफ़ी मदद करता है। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है और इस चढ़ाई को चढ़ने में 12 से 15 घंटे हमें लग सकता है, वो भी कंटिन्यूस चढ़ाई हम करेंगे तो हम पहुंच पाएंगे, तो इस तरह की चढ़ाइयां हैं, तो इन चीज़ों को ज़रूर ख्याल में रखें और अपने साथ दवाइयां और पेन रिलीवर स्प्रे साथ में ज़रूर लेकर जाएं। और अपने डॉक्टर की सलाह से एक टैबलेट आती है जिसका नाम है डायमोक्स, वो अपने साथ ज़रूर रखें। इस टैबलेट का काम होता है आपके सिर चकराने की समस्या को दूर करना और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखना, क्योंकि पहाड़ चढ़ते वक्त आप बहुत ज़्यादा हांफ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी सांस चढ़ सकती है, तो उस दौरान ये दवाई आपकी काफ़ी मदद कर सकती है, तो अपने डॉक्टर की सलाह से डायमोक्स नाम की टैबलेट भी आप प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। केदारनाथ यात्रा में हम जो जो ऊपर की ओर चढ़ाई चढ़ते जाते हैं सांस फूलना शुरू हो जाती है, और सांस फूलने में आप सबसे पहले ये करें, थोड़ी देर रिलैक्स लें, बैठ जाएं, फिर यात्रा करें, थोड़ी देर बैठें फिर यात्रा करें, और साथ में एक कपूर होती है, इसका नाम है भीमसेन कपूर, और इस कपूर को आप सूंघते रहें और इससे आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा, आपको सांस भरने में शिकायत जो होती है उससे राहत मिलेगी और आप आराम से यात्रा कर पाएंगे। केदारनाथ यात्रा के दौरान हमने एक खास बात यहाँ पर देखी कि यहाँ के जो रास्ते हैं वो काफ़ी सकड़े हैं, कहीं कहीं पर जरूर चौड़े रास्ते हैं लेकिन अधिकतर रास्ते सकड़े हैं, और इन्हीं सकड़े रास्तों पर घोड़े वाले भी चल रहे हैं, पालकी वाले भी चल रहे हैं, खच्चर वाले भी चल रहे हैं, साथ में पिट्ठू वाले भी चल रहे हैं और साथ में पब्लिक भी चल रही है, तो हम सब लोगों को अगर हम इस रास्ते पर चल रहे हैं तो हमें विशेष ध्यान ये रखना पड़ेगा, बड़ी सावधानी के साथ यहाँ पर चलना पड़ेगा, ताकि यदि हमने सावधानी नहीं रखी तो किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना घट सकती है, कोई भी व्यक्ति जोखिम में आ सकता है, उसको किसी प्रकार की चोट लग सकती है, तो सावधानी का जरूर ध्यान रखें इन रास्तों पर चलते हुए। और यात्रा के दौरान अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि आपका सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर इस तरह की समस्या आपके साथ हो रही है तो प्लीज़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर ज़रूर दिखाएं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ केदारनाथ जी के ट्रैक के दौरान कई सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आपको नज़र आएंगे, वहाँ पर आप दिखा सकते हैं अपने आपको, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वो कुछ दवाइयाँ भी दे देते हैं तो उनको आप ले सकते हैं। वैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, यात्रा शुरू करने से पहले ही अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाएं, चाहे गवर्नमेंट उसे देखे या न देखे, लेकिन अपने लिए हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाएं। अगर आपको किसी तरह की मेजर बीमारी है, किसी तरह का हेल्थ इशू ज़्यादा है, तो प्लीज़ यात्रा को अवॉइड करें। अगर आपको चलने में असमर्थ हैं, ज़्यादा चढ़ाई आपसे नहीं हो पाती, तो प्लीज़ यात्रा को अवॉइड करें, क्योंकि आप पिट्ठू पालकी घोड़े खच्चर से भी चले जाएंगे लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो चलना ही पड़ेगा, तो प्लीज़ उस चीज़ केस में भी अवॉइड करें। या फिर अगर आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है, ज़्यादा परेशानी होती है पहाड़ों पर जाने से, तो वहाँ पर उस केस में भी आपको यात्रा को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एक धार्मिक यात्रा है, एक एंटरटेनमेंट वाली इंजॉयफुल वाली जगह नहीं है, ये एक धार्मिक यात्रा है, कठिन यात्रा होती है, जितनी आसान हम समझते हैं उतनी आसान नहीं है। तो अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप चलने में असमर्थ हैं या हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हैं, तो प्लीज़
इस यात्रा पर न जाएं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली गई थी, मम्मी पापा और रिश्तेदार वगैरह सब गए थे, तो मैं उनकी हालत देख करके मैं आपको ये बता सकता हूँ, और वहाँ पर जो लोग चढ़ रहे थे उनके एक्सपीरियंस देख के मैं ये बता सकता हूँ कि अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए, आप घर से ही हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि अगर वहाँ गए तो आपकी हालत और ज़्यादा बिगड़ सकती है, काफ़ी कठिन यात्रा ये है। तो अगर आप भी चारधाम यात्रा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और स्पेशली उन लोगों के साथ जो कि चारधाम यात्रा या केदारनाथ जी की यात्रा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें ये ज़रूर सेंड करें, उन्हें ज़रूर शेयर करें, उन्हें ये ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। और अगर आपको जेन्युइनली वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।